नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष निकवर। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचेस ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स, कल के दिन के मेरे प्रेडिक्शन के साथ में। साथ ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे तीन स्टॉक्स जो कि लिस्टेड है फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो भी डिस्कशन करने वाले हैं पूरा का पूरा जो है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं इसमें से कोई भी स्क्रिप्ट को या फिर स्टॉक को या फिर इंडेक्स के किसी भी लेवल पे आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा ट्रेड करने के लिए। इन्हें सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो है अपने एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज करिएगा। और मैं सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, और आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जो है वो जरूर लीजिए। तो आइए यहां पे शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस एजुकेशनल वीडियो। वीडियो को यहाँ पे शुरुआत करेंगे जो भी लेवल्स कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उसकी परफॉर्मेंस के साथ में। शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के साथ में। दोस्तों बैंक निफ्टी में जो कल हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया हुआ था, यहाँ से बैंक निफ्टी में थोड़ा गैप हम लोग को दिखाई दे रहा था ट्रेंड लाइन तक। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ तक नीचे आने के चांसेस है, और निफ्टी में मैंने आप लोगों के साथ में ट्रेंड लाइन डिस्कस किया था। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर इसे ब्रेकडाउन जाता है तो एक बेयरिश ट्रेंड एक्सपेक्टेड है, लेकिन इसे ब्रेकडाउन नहीं गया था। दोनों ही इंडेक्स में सपोर्ट के लेवल पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिला था, और उसके बाद में बहुत ही अच्छी अपसाइड की रैली देखने को मिली थी। लेवल डिस्कस किया था हम लोगों ने 52,406 का, जहां पे हम लोगों को एक अच्छा रिवर्सल आज के दिन में देखने को मिला। एंड देन उसके बाद में एज यूजुअल मार्केट कंप्लीटली साइडवेज भी देखने को मिला है। अगर से बात करेंगे यहाँ पे निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी में भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं गया था, एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन के साथ में बहुत अच्छी अपसाइड की रैली 23,873 के हमारे लेवल तक देखने को मिली थी। ओवरऑल दोस्तों इन लेवल्स के साथ में हमारी जो एक्यूरेसी है वो बरकरार है, और मेरी कोशिश रहेगी इसे ऐसे ही मेंटेन रखने की। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है, जहाँ पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए ज़रूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एलाइज ब्लू का अकाउंट ओपनिंग लिंक जो है वो दिया हुआ है। लिंक थ्रू अकाउंट ओपन करके आप लोग मेरे प्लैटिनम ग्रुप को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कर सकते हैं, जहां पे मैं अपने लाइव मार्केट के जो सेटअप्स है वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करते रहता हूं। तो उसका लाभ आप लोग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में उठा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अकाउंट ओपनिंग का लिंक जो है वो दे करके रखा हुआ। इसके बाद में वीडियो में आगे जाकर के हम लोग डिस्कशन करते हैं स्टॉक्स के बारे में जो कि लिस्टेड है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी, लेकिन वो सीधा टिप्स में आ रहा था इसलिए हम लोगों ने अपनी उस सीरीज़ को कुछ दिनों के लिए पॉज करके रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग स्टॉक ऑप्शंस पे भी ट्रेड करते हैं तो मैंने बहुत डिटेल में अपनी स्ट्रैटेजी स्क्रीनर के साथ में यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों के साथ में डिस्कस करके रखी हुई है। तीनों ही वीडियोस बहुत डिटेल में हैं, और सारे वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे करके रखे हुए हैं। अगर स्टॉक ऑप्शंस पे भी आप लोग ट्रेड करते हैं तो वीडियो को जाकर के ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो जो है वो साबित हो सकते हैं। आगे जाकर के हम लोग यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स के बारे में। पहले इसका प्रेडिक्शन चेक कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ में। दोस्तों दोनों ही इंडेक्स में हाल फिलहाल में हम लोगों को एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, और आज हम लोगों को मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड दिखाई दे सकता है, कल हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था। लेकिन ट्रेंड लाइन जो डिस्कस किया था इसे ब्रेकडाउन नहीं गया था, आज के दिन में सेम चीज़ रहेगी, ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन जाना जरूरी है। अगर चला जाता है बहुत ही शार्प फॉल कल के दिन में मार्केट में एक्सपेक्टेड है, यानी कि एक बड़ी रैली डाउन साइड में एक्सपेक्टेड है। अगर इनकेस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट हो जाता है तो ऊपर के साइड के भी लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। 23,890 का लेवल रहेगा जिसके ऊपर निफ्टी बुलिश हो सकती है। 23,931, 23,970, 24,023 और 24,070 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 23,840 के नीचे निफ्टी वीक हो सकती है। 23,794, 23,748, 23,693 और 23,647 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स और इंडेक्स के जो भी लेवल्स हम लोगों ने एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कशन किया हुआ है, इसको अगर आप लोगों को लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग के लिए टेस्ट करना है तो सबसे बेहतर टाइम फ्रेम मैं यूज करता हूं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग के लिए, वो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम। यहाँ पे जो भी हम लोगों ने लेवल डिस्कस किया है
कि इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी मुझे बुलिश लग रही है। अब ऑब्वियसली चीज है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, इस पे ट्रेड करना मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग पेपर ट्रेडिंग के लिए इसे यूज कर रहे हैं तो 5 मिनट की जो हम लोगों की यहाँ पे कैंडल है वो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग जो है वो देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करेगी तब हम लोग उसे कंसिडर जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सपोर्ट का लेवल हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो सपोर्ट जो है वो हमारे लिए स्टॉप लॉस के तौर पर भी काम करता है। वहां पर भी मैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक जो है इसके प्रेफरेंस देता हूं 5 मिनट की कैंडल कैंडल क्लोजिंग के लिए। अब दोस्तों यहां पे कैंडल क्लोजिंग कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती है जो कि आप लोग वॉल्यूम देख करके जो है यहां पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इस चीज पे भी आप लोगों को ध्यान रखना होता है। जो भी लेवल्स हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं अपसाइड के लेवल्स या फिर डाउनसाइड के लेवल्स, ये आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम जो है वो लाइव मार्केट में करते हैं। साथ में दोस्तों मेरी मैजिकल लेवल्स की जो थियरी है इसके बेसिस पे जो भी स्टॉक्स हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किए हैं इन स्टॉक्स के साथ में जो हमारा लेवल 3 होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है, यहां से रिवर्सल्स हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। साथ में इंडेक्स यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं इन लेवल्स के साथ में लेवल 4 जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्सल का लेवल होता है जिसके ऊपर भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना जो है वो होता है। अगर से बात करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में भी हम लोगों को रिजेक्शन जो है वो दिखाई दे रहा है जो कि कल के दिन में हमें दिखाई दे रहा था। अब यहाँ से थोड़ा सा जो लाइन था ट्रेंड लाइन काफ़ी दूर था क्लोजिंग प्राइस से, सो एक्सपेक्टेशन था यहाँ तक आने के, लेकिन अभी आज जो हम लोगों को क्लोजिंग देखने को मिल रही वो सीधा ही ट्रेंड लाइन के आसपास मिल रही है। सो अगर कल गैप अप भी हो जाता है तो जब तक यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं होता है कोई अपसाइड की रैली एक्सपेक्टेड नहीं है, और ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन अगर आ जाता है तो एज पर द प्रेडिक्शन मतलब जो कल हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया था उसे आज भी कायम रखेंगे कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा टॉप पे काम कर रहा है अभी फिलहाल के लिए, और इतना अच्छा वॉल्यूम इसमें है नहीं कि ये ऊपर के साइड में चला जाए। सो यहाँ से मार्केट में एक करेक्शन के चांसेस जो वो अभी भी मुझे लग रहे हैं। 52,870 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जिसके नीचे बैंक निफ्टी वीक हो सकती है। 52,754, 52,636, 52,520 और 52,395 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 53,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश हो सकती है। 53,122, 53,252, 53,403 और 53,587 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। So, दोस्तों वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स, कल के दिन के मेरे प्रेडिक्शन के साथ में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक देकर के रखा हुआ है जहां पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए जरूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।